खुशबू, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एक माइंडसेट है घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे होंगे पूरे दिन रात, कम कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कमरों में बंद हो गए होंगे, क्या आज भी ऐसा है और वाकई इतनी डेडिकेशन की जरूरत होती है? जी, मैं भी कमरे में बंद ही रहती थी. मैंने 3 साल प्रेपरेशन करी है और उन 3 सालों में ऑफ कोर्स अगर आप यूपीएससी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बहुत पढ़ाई नीडेड है. तो मैं भी बहुत सारी आउटिंग्स या कुछ भी सब मिस करती थी और कमरे में बंद ही रहती थी, बस पढ़ाई पे ध्यान रखती थी. बट उसके अलावा मेंटल प्रेशर ना हो इसलिए 2 हफ्ते में एक बार घूमने ज़रूर जाना, और उसके अलावा कभी टीवी देख लिया, कभी घर पे बातचीत कर ली परिवार वालों से, ये सब भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और आपका लगीमा, आपका क्या रहा था, किस तरह से आपने पूरा शेड्यूल अपना बनाया था? भाई खुशबू तो घंटों कमरों में बंद रही भी है लेकिन 2 हफ्ते में एक बार घूमने निकलना है, ये एक सेट स्ट्रेटेजी थी, आप बताइए. मेरा मानना है कि एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, एक जो बेसिक अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन है, और वो बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि वो आपको आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है. बट आपको मंथली या जैसे खुशबू ने कहा 2 महीने में या फोर्टनाइटली अपने खुद के आपके कंडीशन के हिसाब से ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स फैमिली से, एंड कुछ और आप लेजर हॉबीज़ भी परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज आपको हेल्प करेगा वो थोड़ा अपना स्ट्रेस को स्ट्रेस फ्री रहने में, एंड आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी अगर आप ऐसे एंगेज होते हैं तो. बिल्कुल. आप क्या मानते हैं गगन, कितना आपका डेडिकेशन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम डेडिकेशन तो पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा डेडिकेशन ही पूरा नहीं होगा तो हम किसी भी एग्ज़ाम को पास कर ही नहीं सकते. लेकिन उसके साथ साथ ही जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है उनमें भी हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए. जैसे अभी अभिनव भाई मिसलेनियस अपने बता रहे थे कि मिसलेनियस काम मेरा ये होता था, तो स्टार्टिंग के मैं 2 अटैम्प्ट दिया था, तब मैं जैसे अभी खुशबू जी बता रही थी कि रूम के अंदर बंद रहना, तो ऐसा ही मेरा था उस टाइम कि बस पढ़ना है कहीं कुछ जाना नहीं है, तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ. लेकिन जब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों में पार्टिसिपेट करना किया, योगा करना, फिर बाहर भी एक्सरसाइज करने के लिए जाना, कभी कभी मूवी भी देख लेना, रील्स भी देख लेना, लेकिन वो पढ़ाई और ये सारी चीज़ों में मैं बैलेंस रखता था, तो इससे ये होता है कि हम डिमोटिवेट भी नहीं रहते, माइंड भी फ्रेश रहता है, और जो माइंड के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो भी चीज़ आती है. तो कहीं ना कहीं जब हम पेपर लिखने जाते हैं तो पेपर में ऐसी चीज़ नहीं आती जो रटी रटाई आती है कि आप रूम से रट के चले गए और वहाँ जाके आपने छाप दिया, इस टाइप के पेपर नहीं होते. क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों के लिए यही ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझते हुए पढ़े ना कि उनको रटे, और आपकी जो लाइफ है उसको बैलेंस रखे और यूपीएससी को एक जीने मरने का सवाल ना बनाए. बिल्कुल. और अभिनव, आपसे तो मैं खास तौर से जानना चाहूँगी क्योंकि आप पहले एक पदभार संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर एक जिले की है, उसके साथ साथ आपने ये एग्जाम भी क्रैक किया, वो भी 12th रैंक के साथ, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आप किस तरह से मैनेज करते थे, क्या सिर्फ घंटों कमरे में बंद रहकर ही पढ़ाई की जा सकती है या फिर दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? मैम, इसमें 2 चीज़ें हैं. पहला ये है कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता था और वो स्ट्रैटेजी जैसे लगेमा ने भी बताया कि वो स्ट्रैटेजी टॉपर्स की गाइडेंस, उनकी वीडियोस, उनके ब्लॉग्स वगैरह से मैं देख के ब्लाइंडर्स लगा लेता था कि मेरे ब्लाइंडर्स ये होंगे कि ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसे फॉलो करूँगा और इधर उधर अननेसेसरी रिसोर्सेज में, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा टाइम ही काफ़ी लिमिटेड था. और दूसरा मैम आस्पेक्ट ये है कि पढ़ाई करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें लेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गगन ने भी बताया कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें ऑन द स्पॉट थिंकिंग चाहिए, क्वेश्चंस बड़े डायनामिक हैं 3 स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट सोचना है आपको, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड रिजुवनेट हो. आप समय समय पे अलग चीज़ें करें तो आपके माइंड को भी रिजुवनेशन मिलेगा और जो आपकी मानसिक क्षमता है ऑन द स्पॉट, ऑन द फीट सोचने की, वो इम्प्रूव होगी. तो इसलिए मैं समय समय पे लेजर एक्टिविटी जैसे स्विमिंग है, जब भी मुझे समय मिलता था इंडोर पूल या आउटडोर पूल तो मैं स्विमिंग कर लेता था, क्रिकेट खेल लेता था, दोस्तों से मिल लेता था, तो उससे भी तैयारी को बड़ा सपोर्ट मिला. यानी आपके आपने अपना जो शेड्यूल है बहुत बिजी कर लिया था, आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है,
स्विमिंग पर भी जाना है, क्रिकेट भी खेलना है, साथ में इसके लिए तैयारी यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। जी मैम, इतना आसान ये रहता है? मैम बहुत मुश्किल रहता है, बट इसमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मैम। अगर मेरा सिलेक्शन ना भी होता, बट अगर मैं हाइंडसाइट में पीछे देखूं और मुझे लगता कि मैं ट्रेनिंग भी करी है, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अपनी हॉबीज़ उन्हें भी परस्यू कर पा रहा हूं, और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इधर उधर, जो कि मेरी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज या पर्सनल स्किल सेट्स में ऐड नहीं कर रहा, मैं ऐसा काम ना कर रहा हूं, तो अगर वो भी कोई कर लेता है तो उससे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मुझे जो 24 घंटे मिले हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने ऐसे काम किए हैं जिससे मेरी खुद की पर्सनल कॉम्पिटेंसी स्किल सेट्स डेवलप हुए हैं, और जो इन द लॉन्गर रन मेरे करियर में, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मुझे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है। मुश्किल है बड़ा, बट ये अगर कोई करे तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है करने के बाद। एक बार शेड्यूल सेट हो जाए तो आप उस पर चलने लगते हैं, और उसके बाद वो सब भी सेट होता है, होने लगता है। अब आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरे साथ एक और यूपीएससी टॉपर जुड़ गए हैं, सूरज तिवारी। सूरज, बहुत बहुत स्वागत आपका News 24 पर। तो सूरज, कैसा लग रहा है? अब टॉपर्स की लिस्ट में तो आप शामिल हो चुके हैं, अब इंटरव्यूज चल रहे होंगे, हर कोई आपके बारे में पूछ रहा होगा, कैसी फीलिंग आ रही है? जी मैम, मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट है कि बेसिकली मैं बोलूं तो आज मैं बहुत खुश हूं, और मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। तो सूरज, कैसे डिसाइड किया कि भाई हमें भी यूपीएससी का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा? कौन आपके लिए इसके लिए इंस्पिरेशन बना, कुछ बताइए। जी एक्चुअली मैम, 2019 में मुझे पहली बार यूपीएससी के बारे में मालूम हुआ, और उसके बाद में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे लाइफ में, काफ़ी सारी ट्रेजेडीज मेरे साथ हो चुकी थी, तो उन सबको ओवरकम करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और मैंने यूपीएससी को अपना प्लेटफॉर्म चुना। बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था कि मैं उसको हासिल ना कर पाऊँ। ठीक है, आज मैं उस मुकाम पर हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, इस मुकाम पर पहुँच कर तो सभी इस वक्त गदगद होंगे आपकी इस अचीवमेंट से। चलिए गगन, आपके पास आ रही हूँ, 4th अटेम्प्ट तक पहुँचना, बीच में कभी ऐसे हुआ कि मन टूट गया हो कि नहीं अब नहीं करना? ठीक है, आपका आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, लेकिन जिस तरह से आईपीएस से आप आईएएस तक पहुंचना चाहते थे और इस बीच असफलता भी हासिल हुई, कभी ऐसा मौका आया? बिल्कुल मैम, जब मेरा सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक पहुंच गया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस टाइम खुद के ऊपर डाउट होने लगा था कि शायद मुश्किल हो जाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर फैमिली का भी थोड़ा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पिताजी खेती करते थे, तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि कोई दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। स्टेट पीसीएस थी, उनके भी मैंने फॉर्म डालने स्टार्ट कर दिए थे, घर वाले बोलते थे कि एसएससी का भी फॉर्म भर दे, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरता था, फिर मैं बोल देता था कि मुझे डेट का याद ही नहीं रहा, डेट निकल गई, इस टाइप से कुछ मैं बहाना बना लेता था। स्ट्रगल ज़रूर आती है, और इसी बीच में जैसे 2021 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, उससे एक महीने पहले जो मेरे दादाजी थे जिनका एक सपना था कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बनूँ, तो उनकी भी डेथ हो गई थी एग्ज़ाम से एक महीने पहले, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था। तो उसके बाद लेकिन जितने भी मेरे सामने चैलेंजेस थे और जितनी भी समस्याएं थी, उन सब में मैं कैसे तरीके से काबू पा सकता हूँ, उनके ऊपर मैंने काम किया, और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन वो बनाए रखा, और एग्ज़ाम के लिए कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है कि वो इतनी धूप में खेतों में काम कर सकते हैं, तो मुझे तो एक कमरे में रह के पढ़ना ही था जहाँ कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो उनसे तो मेरे लिए काम काफ़ी आसान था, ये उनके काम की वजह है। तो इस वजह से फिर मैंने कभी इसको अपने ऊपर बोझ नहीं समझा, और मैंने बस ये सोच लिया था कि जिस दिन मुझे पढ़ाई बोझ रखने लगेगी उसके बाद शायद मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, तो अभी तक मुझे कभी बोझ के तरीके से मैंने इस पढ़ाई को देखा ही नहीं था, मैं इसको अपने की बजाय अपने माता पिताओं के साथ जोड़ के देखता था कि उन जब गांव में या फिर आसपास वो घूमे तो एक सम्मान के साथ वो घूम सके, अगर उनको ऐसा लगे कि उनको भी प्राउड फील होने लगे मेरे ऊपर, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो वही होगा। तो वो अपने अंदर में रखता था, तो इन्हीं चीज़ों ने मुझे ये 4 अटेम्प्ट देने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, और आज उनको कैसा फील हो रहा है, फाइनली वो अचीवमेंट आपके हाथों में है, आपने हासिल की है? मैम, घर बार वाले, परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश है,
मम्मी भी काफ़ी खुश है और पापा है और सारे जो परिवार है, रिश्तेदार है, इसके अलावा मेरे सारे फ्रेंड्स है, उन सब के काफ़ी कॉल्स भी आए हैं, तो उन सब ने शुभकामनाएँ दी है, तो उन वही चीज़ ऐसी है कि उन्हीं चीज़ों को देख के हम खुश होते हैं। और आपने एक तरह से मिसाल पेश की है कि अगर आप आर्थिक रूप से उतना संपन्न भी नहीं है तो भी आपको पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल मैम, ये एग्ज़ाम ऐसी है कि इसमें आप कितने आप पास पैसे है वो कोई मैटर नहीं करता, आपको बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो आप कोई भी साधारण आदमी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। मेरे पास तो सारे रिसोर्स थे, दोनों सारी चीज़ थी। अभी जो सूरज भाई ये है और उनका और मेरे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जब वो पास कर सकते हैं तो इस एग्ज़ाम को मुझे लगता है कि कोई भी आदमी पास कर सकता है। जब उन्होंने ही हार नहीं मानी तो हमारे पास तो सारी चीज़ है, बिल्कुल, तो फिर हम उनको हार क्यों मानना। बिल्कुल, हार माननी नहीं है, और शायद ये जो आपका ये जो नेचर रहा है ना कि आपने हार नहीं मानी है और यही जो आपका दृढ़ संकल्प रहा है और इसीलिए आज आप यहाँ तक पहुँचे भी हैं। थैंक यू अभिनव, क्योंकि आप तो SDM रहे, कुछ लोग ठीक है अगर आपको एक पदभार मिल जाता है, एक जिम्मेदारी मिल जाती है, आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना है, ये हमेशा से ही एक सोच थी या फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने सोचा कि अब मुझे और आगे बढ़ना है, IPS IAS बनना है? मैम, हमेशा से ही मेरी ये सोच रहती है कि जो भी मैं कार्य करूं उसमें अपना 100% दूं। तो जैसे मैं फील्ड में ट्रेनिंग कर रहा था तो अपने सीनियर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDMs को देखता था, तो मुझे लगता था कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएँ हैं उनका आप समाधान कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस रिट्रेसल कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि मैम अगर मैं सिविल सर्विसेज दूँ और अगर मैं बेटर सर्विस में आ जाऊं IAS या IPS तो जो प्लेटफॉर्म है, जो मौका मिलेगा मुझे सेवा करने का, वो और ज़्यादा मौका मिलेगा। तो उस वजह से वो एक प्रेरणा की तरह काम करता था कि अभी अगर मैं थोड़ा बहुत कर पाऊँगा तो अगर मैं किसी और प्रशासनिक सेवा में जाऊं तो मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा। तो मुझे लगा इसीलिए मैं प्रेरित हुआ इससे और मुझे लगा कि मुझे दोबारा देना चाहिए कि ताकि मैं बेटर सर्विस में आ जाऊँ और अपनी जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मिलती है उनको और बेहतर तरीके से निभा पाऊँ और समाज और लोगों की और बेहतर तरीके से जितनी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके वो कर पाऊँ। खुशबू, हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, टॉप रैंकर्स हमारे पास आते हैं, टॉपर्स हमारे पास आते हैं, तो सबके लिए उसके परिवार उसका बहुत बड़ा रोल होता है उनके इस अचीवमेंट में, आप किसे श्रेय देना चाहेंगी? जी, मैं भी सबसे पहले अपने परिवार को ही श्रेय देना चाहूँगी। मेरे पापा के कारण ही मैंने पहली बार सोचा कि मुझे UPSC को एक अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके अलावा मेरी मम्मा, जो मैं तो पूरे टाइम रूम में ही रहती थी, और उन्होंने ही पूरे टाइम घर का ध्यान रखा, मेरे खाने का ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा, और मेरे भाई भाभी ने हर टाइम मेरे लिए इतना लाइट माहौल रखा ताकि मैं कभी उस स्ट्रेस वाली फीलिंग में ना आ पाऊँ, तो वो श्रेय तो ज़रूर है ही। और उसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया साथ में। लेकिन लगीमा, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, कभी डर लगा मन में? और उस वक्त परिवार ने कैसे संभाला होगा? डर लगता है, आप जब शुरुआत करते हैं तो एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर करें, बट जैसे जैसे रिजल्ट पास आता है तो आपका डर, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, वो रियल होता चला जाता है। उस वक्त परिवार का सपोर्ट बहुत मेजर है। मेरे पेरेंट्स, मुझे याद है, वो चाहे अकेले में डरते हों बट मेरे सामने वो कभी ऐसा फेस नहीं लाते थे कि हमें भी तुम्हारे रिजल्ट की टेंशन है। नॉर्मल रिएक्ट करते थे, वर ऑलवेज लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, तो अंदर से उन्हें लगता होगा। फिर उसके अलावा फ्रेंड्स भी, मतलब देवर मोर कॉन्फिडेंट देन मी कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं, अरे मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। तो दोनों तरफ से फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सबका तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। और होना चाहिए, ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तरह की अचीवमेंट यूं ही आप राह चलते नहीं आप हासिल कर सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सिर्फ अकेले उस शख्स की नहीं, पूरे परिवार की ये मेहनत होती है।